आज एक नई बात वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर एग्जामिनेशन आई वॉन्ट टू टेल यू तो इसलिए आप बिल्कुल सीरियस होकर आज के इस लेक्चर को देखेंगे मैं भूपेश आनंद लेक्चर नंबर एट की बात कर रहा हूं और चैप्टर नंबर ट्वेल्व की बातें कर रहा हूं बेटे अप टू दिस डेट आई हैव दिसकस अगर आप चैप्टर नंबर की हेडिंग देखो तो नाम है date, हमने जो डिस्कस किया है पिछले सात लेक्चर्स में हमने फाइनेंशियल मार्केट्स की बातें की फाइनेंशियल सिस्टम की बातें की फ्लो ऑफ फंड्स की बातें की कैपिटल मार्केट की बातें की प्राइमरी मार्केट की बातें की सेकेंडरी मार्केट की बातें की बेटे लेकिन अभी आज जो मुझे बताना है वो बताना है इन रिलेशन टू ट्रेजररी फंक्शन अच्छा वैसे ट्रेजररी का मतलब अगर आप समझे तो बेटा ट्रेजररी होता है तहखाना जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में एज अ सेंट्रल बैंक दे अ तहखाना जहां पे गोल्ड के रिजर्व्स हैं पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के पास भी गुफाएं होती थी वहां तहखाने होते थे बेटे तहखाने में सोना चांदी हीरे ज्वारात बुलियन पैसे कॉइन्स सब रखते थे वो इकट्ठे आज मैं उसी की बात करने वाला हूं ट्रेजरी फंक्शन दैट वेदर एज अ फाइनेंस मैनेजर यू हैव टू ऑल्सो फॉलो और फुलफिल दैट रोल्स ऑफ ट्रेजरी फंक्शन तो पहले तो हमें ये समझना है कि ट्रेजरी फंक्शन होता क्या है ना और उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या तो करें ना यार कमर सीधी करके बैठो ना आई लेक्चर एट यार फिर हम चैप्टर नंबर थर्टीन में आ जाएंगे फॉरन एक्सचेंज और फिर चैप्टर नंबर फोर्टीन इंटरेस्ट रेट रिस्क और बेटे दो तीन चैप्टर्स तो रह गए पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही कवर हो रहा है एफ नाइन तो आप सभी के सभी, सभी के सभी आपको फिर रिक्वेस्ट करता हूं आप रजिस्टर ओपन कर लें ग्रेट मॉर्निंग लिख लीजिए लेक्चर एट चैप्टर नंबर बारह फाइनेंशियल मार्केट एंड ट्रेजरी फंक्शन पहली बात आपको बतानी है शायद मैंने लेक्चर वन में बताया था कि आई विल बी डूइंग मार्केट एफिशिएंसी अलोंग विद दिस चैप्टर ओनली दिस चैप्टर मतलब वो चैप्टर नंबर 19 20 का टॉपिक था मैंने को लगा कि शायद इससे रिलेट करता है लेकिन बाद में जैसे जैसे मैं लेक्चर्स लेता गया तो मुझे लगा नहीं मार्केट एफिशियंसी वहीं पर डिस्कस करना चाहिए तो ये बात आपको कहनी है

बेटे बहुत बड़ा होता है फाइनेंस मैनेजर से भी बड़ा होता है जैसे हम सबकी ज्वाइंट फैमिली में एक होते हैं बड़े पापा दादाजी होते हैं बड़े बड़े पापा अब बड़े बड़े पापा एक्चुअली में कुछ करते नहीं है लेकिन वो पूरे घर को मैनेज करते हैं पूरे घर में सभी मेंबर्स क्या कर रहे हैं कहां जा रहे हैं कैसे कर रहे हैं पैसे कहां से आ रहे हैं पापा कितने कमा के लाते हैं कितने खर्च होते हैं किसको किसी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है कोई रिस्क तो नहीं है है ना और मैक्सिमाइजेशन ऑफ बेटे द सेम टास्क इज ऑफ अ ट्रेजररी मैनेजर ट्रेजररी मैनेजर एज सच एक्टिवली पैसे लाने में नहीं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में नहीं लेकिन आप वो प्लानिंग पूरी करेगा लिक्विडिटी की ध्यान रखेगा कि भाई अगर इन्वेंट्री मैनेजर को और परचेज मैनेजर रिक्वायर सम फंड कैश मैनेजर रिक्वायर सम फंड लिक्विडिटी उसी समय मिले

हैज मोर हाइर रोल्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एस कम्पियड टू फाइनेंस मैनेजर नाउ अ फाइनेंस मैनेजर हैजू डील विद ऑल दो रोल्स ऑल्स ठीक है जी क्योंकि पोस्ट कोविड सैनैरियो में बेटा आपको मल्टीस्किल होना पड़ेगा तो आइए जी मैं भूपेश आनंद एक बार छोटा सा फ्लो चार्ट देना है आपको फ्लो चार्ट खत्म हुआ नहीं आज का लेक्चर खत्म हुआ नहीं बिकॉज इसी फ्लो चार्ट में मैंने पूरा का पूरा ट्रेजरी मैनेजमेंट का फंक्शन रिलेट कर दिया है मैंने पूरा फंक्शन डिस्कस कर दिया कि भाई ये है ट्रेजररी कागज कलम दबा लिख दू मैं अपना नाम तेरे नाम बेटे एक फ्लो चार्ट और पूरा ट्रेजररी फंक्शन पूरा ट्रेजररी मैनेजमेंट पूरे रोल्स और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट तो आप

ट्रेजररी ट्रेजररी का मतलब तह खाना ठीक है जी तो ये कंसेप्ट आया कहां से मैनेजमेंट से जैसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम कहते हैं लाइफ मैनेजमेंट हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट है ना सारी मैनेजमेंट है तो ट्रेजररी मैनेजमेंट को समझना कंपलसरी है तभी हम ट्रेजरी फंक्शन समझ पाएंगे तो ट्रेजररी मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म रिसोर्सेस एंड

वेदर इट शुड भी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या बड़े पापा का काम सबको करना है ये खाली बड़े पापा ही करेंगे आइए जी आइए आइए दोस्त मेहरबान मेहरबान का दरदान आइए 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 बेटे मैं फर्स्ट बॉक्स में लिख रहा हूं मीनिंग ऑफ ट्रेजररी मैनेजमेंट और उस बॉक्स में मैंने लिखा मैनेजमेंट का मीनिंग होता है इफेक्टिव एंड एफिशियंट ये बात तो हमें पता ही है ियल में भी पता है आपको तो मैंने यहां पर लिखा इफेक्टिव एंड एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ शॉर्ट टर्म रिसोर्सेस एंड एंड टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड टू मिनिमाइज द रिस्क आफ्टर पोस्ट कोविड अगर आप देखें तो बेटे रिस्क को मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया दुनिया कैसे बदल गई यार कोविड के बाद अब तो तीन चार साल हो गए कोविड हुए भी मैं तो आपको कहता हूं दुनिया बदल सी गई यार तो पहली बात फर्स्ट पॉइंट आपने तीन बातें लिखी है उसके नीचे हमने क्वेश्चन के मीनिंग के बाद लिख रहे हैं थ्री क्वेश्चन इफ यू कैन आंसर माई थ्री क्वेश्चनस्टैंड और यू कैन यू नो इजी से मैनेजमेंट माइ फर्स्ट क्वेश्चन इज वट आर द रोल्स ऑफ ट्रेजररी मैनेजर एक ट्रेजररी मैनेजर के क्या रोल्स होते हैं क्वेश्चन नंबर टू व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्रेजररी मैनेजर ट्रेजररी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है अगर हमें यह पता चल जाए तो हम ट्रेजररी फंक्शन समझ सकते हैं हम ट्रेजरी मैनेजमेंट को और ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं तो पहला क्वेश्चन आपको पता करना है व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रेजरी मैनेजर सेकंड इज व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ट्रेजरी मैनेजर थर्ड इज फेदर ट्रेजरी फंक्शन बी सेंट्रलाइज्ड

सेंट्रलाइज के लिए तीसरा बॉक्स रोल मैंने कहा रोल में तीन बातें लिखूंगा सबसे पहले लिखूंगा रिस्क मैनेजमेंट दूसरी बात लिखूंगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स इन द लॉन्ग टर्म और तीसरी बात लिखूंगा मैनेजमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज मतलब लिक्विडिटी को प्रोवाइड करना शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज को मैनेज करना दैट इज द रोल तो आप सभी पहले फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे रोल नंबर वन शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज लॉन्ग टर्म वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड थर्ड इज रिस्क मैनेजमेंट आई रिपीट शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस दिस इज माई रोल नंबर वन बड़े पापा का ट्रेजरी मैनेजर का सेकेंड इज लॉन्ग टर्म वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड थर्ड इज रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है बेटे कोविड सैनैरियो तो मैंने नाम लिया जैसे फॉरन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट कभी डॉलर ऊपर हो रहा है कभी डॉलर नीचे आ रहा है सपोजिंगली आप एक्सपोर्टर है यू आर ए इम्पोर्टर टोटल रिजल्ट एंड यूर पेमेंट विल वेरी देर इज अ ट्रांसैक्शन रिस्क ट्रांसलेशन रिस्क नेटिंग रिस्क अकाउंटिंग रिस्क तो उन रिस्क को मैनेज करना जो हम चैप्टर नंबर थर्टीन और फोर्टीन में डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट रेड रिस्क टूल्स लेना है ना फ्यूचर्स लेना ऑप्शन लेना अभी आपको नहीं पता फ्यूचर ऑप्शन मैं बताऊंगा चैप्टर थर्टीन और फोर्टीन में आप टेंशन मत ले बताऊंगा ठीक है जी मैं सेकंड क्वेश्चन में आ गया व्हाट वेस्पॉन्सिबिलिटीज अब देखो बेटा में में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो पूरा पूरा का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तीनों आ तीनों आ गए क्या था इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन डिविडेंड डिस इन्वेस्टमेंट में क्या था वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल में क्या था कैश मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट में क्या था इन्वेस्टमेंट मर्जर मर्जर करना है करें या नहीं करें डी मर्जर करें या नहीं करें सेकंड फाइनेंशियल डिसीज में क्या था कैपिटल स्ट्रक्चर को डिवाइड करना डिजाइन करना उसके बाद वेदर हाउ मच शुड बी डेट डेट कैपेसिटी बोरिंग कैपेसिटी डेट कितना होना चाहिए फिर थर्ड क्या था डिविडेंड दे या नहीं दे बेटे आप देखेंगे सारे के सारे फंक्शन जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं एज अ फाइनेंस मैनेजर हाँ कुछ भी ध्यान देना हमें तो वट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्वेश्चन नंबर टू के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज नंबर टू क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्रेम करना दैट हाउ मच शुड बी द डेट इक्विटी मिक्स चैप्टर नंबर में वी वी हैव हैव डिस्कस डिस्कस मिलर कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर को हम फ्रेम करेंगे पैकिंग ऑर्डर पैकिंग क्रेडिट थ्योरी पैकिंग थ्योरी वी हैव डिस्कस ठीक है जी बोरोइंग कितनी होनी चाहिए डेट कैपेसिटी मैंने जान के ना चैप्टर के नाम भी लिख दिए कि आपको लॉजिकली पता चल जाए कि मैंने इसको इस चैप्टर में कवर किया था इसको इस चैप्टर में कवर किया था इसको इस चैप्टर में कवर किया था तो चैप्टर 15 में लिखा मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर 15 में लिखा चैप्टर 18 में वी हैव डेट कैपेसिटी देन को एलोकेट करना देखो मैंने कहा ना बड़े घर के जो सीनियर मेंबर है कमाते नहीं है बट पापा फाइनेंस मैनेजर से पैसे लेना पापा से पैसे लेना फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट करना किसका काम है ग्रैंड का ट्रेजरी मैनेजर का ट्रेजरी मैनेजर एलोकेशन ऑफ रिसो कैश को मैनेज करना करेंसी इश्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करना इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेजरी फंक्शन को मैनेज करना कि हम इश्यूज लेकर आ रहे हैं अगर इंटरनेशनली हमें कॉम्पलाइंस करनी है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की तो सभी बातें कौन करेगा फाइनेंस मैनेजर नहीं मैं कहता हूं दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेजरी मैनेजर आप लिख नहीं रहे ना बेटे तो आपको लॉजिकली थोड़ा समझ नहीं आ रहा मैं सच कह रहा हूं आप मेरे साथ साथ लिखें आपको बहुत अच्छा लगेगा आप लिखें में पहला कैपिटल स्ट्रक्चर दूसरा बोरोइंग तीसरा डेट कैपेसिटी फोर्थ रिसोर्स एलोकेशन फिफ्थ कैश मैनेजमेंट सिक्स करेंसी इश्यूज सेवेंथ डिफेंडिंग टेक ओवर जैसे कोई लेने हमारे को परचेज कर रहा है कंपनी को बिकॉज इफ इट इफ इफ दे हैव मोर देन फिफ्टी वन परसेंट वोटिंग पार देन दे कैन दे दे कैन कैन हैव यू नो अस टू डिफेंडिंग टेक डिविडेंड पॉलिसी

हम यहां से स्टार्ट किया था हमने लास्ट लेक्चर में व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम फाइनेंशियल सिस्टम के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अगर आप देखें तो इट इज चैनल द फंड्स फ्रॉम लेंडर्स टू बोरोस प्रोवाइड अ मैकेनिज्म ऑफ पेमेंट्स अब ये मैं नहीं बता रहा ये तो सब कर चुके हैं बेटा मैं सीधा ट्रेजरी में आ रहा हूं ये सब कितनी बार तो कर चुके हैं लेक्चर नंबर 8 है टाइम लग जाएगा मैं आ रहा हूँ जी मैंने आई थिंक इंटरमीडियट भी डिस्कस की थी टू से फाइव तक सब किया है बेटे आप सच में बता रहा हूं अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको लॉजिकली खुद ही पता चल जाएगा ट्रेजरे फंक्शन देखिए फंक्शन एक तो ये चार्ट है जो ने दिया मैंने कॉपी पेस्ट मारा बट एक चार्ट वो है जो मैंने बनाया अभी आपने बनाया दोनों में जमीन आसमान का अंतर है इसमें कुछ समझ नहीं आएगा बस इन्होंने कर दिया लिख दिया इन्फॉर्मेशन दे दी बट दे हैव नॉट गिवन द सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट बीइंग रिलेटेड विद ईच अदर तो आप देखिए क्या लिखा है रिस्क मैनेजमेंट भी है शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट भी है लॉन्ग टर्म भी है इट मीन टू डू शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म में क्या होता है करेंसी मैनेजमेंट कैश मैनेजमेंट अच्छा रिस्क मैनेजमेंट में क्या है फॉरन एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट रिस्क जो भी हम चैप्टर नंबर थर्टीन और फोर्टीन में करेंगे अच्छा लॉन्ग टर्म में क्या है द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस एंड एंड डिविडेंड पॉलिसीज इन्वेस्टमेंट मैंने कहा ना कि सारा कुछ तो फाइनेंस मैनेजर वाला वर्क है ही अलॉन्ग विद ये भी करना है रिस्क मैनेजमेंट करना है एंड शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ फंड्स भी करना है द क्वेश्चन इज वेदर इट शुड बी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज ठीक है सर सर बहुत बढ़िया मैं सर, मैं आ गया इस समय आपके सामने खड़ा हूं और कैपलॉन ओपन है द रोल ऑफ ट्रेजरी फंक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रोल में पहला रोल तो है दूसरा रोल ये है और तीसरा रोल ये है रिस्क मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी उसको ग्राफ में बना दिया अपने फ्लो चार्ट में आप टेंशन मत ली ठीक है सर अब सवाल आता है कि वेदर यू नो वेदर वेदर अब ये ये, ये भी ऑलरेडी मैंने के अपने चार्ट में बोरिंग करना डेट करना कैपिटल स्ट्रक्चर करेंसी कैश मैनेजमेंट दिस चैप्टर डिविडेंड कैपिटल स्ट्रक्चर ये सब आपको मैंने बताया दैट दीज आर द द फंक्शंस आर यू नो फंक्शंस ऑफ अ ट्रेजरी मैनेजर अब द पॉइंट इज द पॉइंट इज इज और डिस है कि क्या एक जगह होना चाहिए या बांट देना चाहिए बड़े पापा का काम तो बेटा सेंट्रलाइज का मतलब है इसके अपने कुछ एडवांटेजेस जब खाली बड़े पापा के पास कंट्रोल होगा तो डिसीजन जल्दी होंगी या नेगेटिव जरा पढ़ लेते हैं नो नीड फॉर ट्रेजररी स्किल्स टू बी डुप्लीकेटेड थ्रू आउट मतलब बड़े पापा जैसी क्वालिटी सबके पास नहीं होनी चाहिए या मतलब आप समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं नेसेसरी बोरिंग्स कैन बी इन बल्क ठीक है सर द ग्रुप फॉरन करेंसी रिस्क कैन बी मैनेज ठीक है सर वन कंपनी रेट्स बैंक चार्जेस शुड बी लोअर बड़ी सिंपल सी बात है जब सेंट्रलाइज होगा टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप का अगर ट्रेजरी मैनेजमेंट फंक्शन सेंट्रलाइज होगा तो पूरे टाटा ग्रुप की बात होगी तो इंटरेस्ट रेट आप बार्गेन कर सकते हैं आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं आप फंड्स को अरेंज कर सकते हैं पूरी कंपनी के लिए टाटा ग्रुप के लिए बट अगर मैं टाटा मोटर्स का अलग से ट्रेजरी मैनेज कर दूं, टाटा स्टील का अलग से कर दूं, टिस्को का अलग से कर दूं, टेलको का सब टीसीएस का अलग से कर दूं, तो फिर कुछ कहीं ना कहीं उसके प्लस भी है माइनस भी है वो हम देख लेंगे असेंट्रलाइज ट्रेजरी कैन रन तो बेटे टाटा ग्रुप की आप अगर केस स्टडी समझें तो आपको ये समझ आ जाएगा दैट वेदर दिस ट्रेजरी फंक्शन शुड बी सेंट्रलाइज और डी आई थिंक आप लॉजिकली समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं बेटे लाइफ में कहीं कोई भी चीज करते हैं ना इट इज इट इज टू बी रिलेटेड विद यू नो प्रैक्टिकल लाइफ लाइफीज अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ग्रेटर ऑटोनोमी लीड्स टू ग्रेटर मोटिवेशन जब आप अलग 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 टाटा ग्रुप की सब कंपनीज को अपनी अपनी ऑटोनॉमी दे देंगे भैया आप खुद करो तो उससे मोटिवेशन आएगी लोकल ऑपरेटिंग यूनिट शुड ऑल्सो बेटर फील ऑफ लोकल कंडीशन क्योंकि जो लोकल होते हैं टीसीएस वाले को पता है कि उसका क्या कंडीशन है

तो आज इस चैप्टर नंबर ट्वेल्व में मैं लेक्चर नंबर एट में आपसे विदाई ले रहा हूं फिर मिलेंगे हम चैप्टर नंबर थर्टीन में मिलने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क चैप्टर नंबर फोर्टीन में मिलने वाले इंटरेस्ट रेट रिस्क बेटे चैप्टर थर्टीन और फोर्टीन तो आप समझ लीजिए मैंने पीएचडी की हुई है रिस्क के ऊपर फॉरन एक्सचेंज रिस्क के ऊपर और वो लेक्चर्स के थ्रू आपको खुद पता चलेगा बी हैपी बी जॉली बी चेयरफुल